आज है दीघा में हमारा लास्ट दिन, और यहाँ पे दीघा में जो आसपास जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग दीघा से निकल रहे हैं, इस साइड है सी बीच और हम लोग जाएंगे इस साइड। हम लोग अभी पहुंच गए हैं उदयपुर बीच। दीघा से कितना 5 मिनट लगा ना? हाँ, गाड़ी से हम लोग आए, 5 मिनट लगा। तो दिखाता हूँ कैसा है बीच। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं मोहना में। मोहना में क्या होता है, ये एक नदी आके यहाँ पे समुंदर में मिलती है और यहाँ पे फिशिंग भी हो रही है। तो ये उदयपुर बीच से आप ऐसे स्कूटी रेंट करके, 100 रुपये लेते हैं स्कूटी रेंट करके, आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो अभी ये उदयपुर बीच से अभी हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे बाहर निकल गए हैं। तो अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल है दीघा से। और ये रहे काजू के पेड़। तो जब आप अप्रैल में आएंगे, अप्रैल में उस टाइम पे आपको ये पेड़ पूरा भरा हुआ रहेगा काजू से। ये आप देखिए, अच्छा है ये देखने को। और इस साइड भी है, दिखाऊंगा कभी अप्रैल में अगर आया तो मैं अप्रैल में आपको दिखाऊंगा। उदयपुर बीच से अभी हम लोग जा रहे हैं एक मंदिर में। मंदिर का नाम है चंदेश्वरी मंदिर। अभी पहुंच गया हूं चंदनेश्वर मंदिर। तो ये रही यहां से एंट्रेंस। ये मंदिर दरअसल वेस्ट बंगाल में नहीं, ये मंदिर है आपका उड़ीसा में। ये रही मेन मंदिर। तो काफ़ी भीड़ है। और ये है जगन्नाथ मंदिर। मंदिर में भगवान के दर्शन करके आ गया हूँ। ये मंदिर है, शिव भगवान का मंदिर है, चंदनेश्वर महादेव। तो बहुत भीड़ है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा टाइम है इवनिंग टाइम, शाम के टाइम आना सबसे अच्छा है, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग चंदनेश्वर मंदिर से निकल गए हैं। निकल के अब हम लोग जा रहे हैं न्यू दीघा की ओर, क्योंकि न्यू दीघा में हम लोग करेंगे लंच, और लंच करके फिर सीधा हम लोग निकलेंगे शंकरपुर। तो ये हम लोग अभी शंकरपुर की तरफ जा रहे हैं। नया वाला रास्ता है मेरिन ड्राइव। ये रही दीघा गेट, और दीघा गेट से ये सीधा यहाँ पे ये रास्ता जाती है।
आ गए हम लोग शंकरपुर बीच में। शंकरपुर बीच में ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, लोग भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है वो मेरीन ड्राइव वाला रास्ता खुला था इसीलिए हमको भी देखना था मेरीन ड्राइव। उस साइड से कंस्ट्रक्शन फिर से होते होते आ रही है और इस साइड लोग उतर सकते हैं, यहाँ पे रेती है लेकिन इस जगह पे रेती नहीं है। अच्छा है, बाद में इन फ्यूचर इस जगह को भी डेवलप किया जाएगा। अच्छा तो अब हम लोगों का शंकरपुर घूमना हो गया है, छोटा सा ही एकदम बीच था, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ये रास्ता अब सीधा ताजपुर को निकलती है, तो हम लोग सोच रहे ताजपुर होके निकल जाए, अगर रास्ता अच्छा हुआ तो ये ताजपुर से ही निकलेंगे, वरना हम लोग बैक करेंगे, बैक करके रामनगर होते हुए सीधा मेन रास्ता हम लोग ले लेंगे। यहाँ पे बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है क्योंकि इंडियन हाईवे पे सिर्फ गाड़ियाँ नहीं, साथ में गाय भी चलती है, तो इनसे थोड़ा बच के